सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवली ट्रैवलर। एंड मैं हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। सो देहरादून का ब्लॉग्स बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। आज है डे टू एंड अभी मैं निकल रही हूँ अपने होटल से, यानी अपने हॉस्टल से। एंड अभी मैं जा रही हूँ रॉबर्ट केव्स, या फिर उसे गुच्छू पानी भी बोलते हैं, आई थिंक परेड ग्राउंड से गुच्छू पानी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी। गुच्छू पानी के लिए कौन सी जाएगी बस यहाँ से? गुच्छू पानी जाती है ना, बस मिलती है। परेड स्टॉप से ये जो व्हाइट कलर की जो बस लगी है, ये जाती है गुच्छू पानी। तो चलिए बैठते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ से। देहरादून मेन सिटी से गुच्छू पानी की डिस्टेंस 7 से 8 किलोमीटर की है। एंड इसी रोड में आगे जाने पर मसूरी के लिए जो रोड जाती है वो मिलती है। मसूरी यहाँ से 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। एंड जल्दी आप सभी के साथ मसूरी ब्लॉग भी शेयर करूंगी। 15 से 20 मिनट में बस आपको इस टर्निंग पर छोड़ देती है। एंड बस की जो टिकट प्राइस थी वो 15 या 20 रुपया ही था। एंड इसी टर्निंग से यह जो गेट देख रहे हो, यह रॉबर्ट केव को जाती है। सो गाइस, जो पीछे में गेट है वहीं पर आपको जो भी बस या ऑटो होती है वो छोड़ देती है। एंड वहां से वॉक करके आगे जाना पड़ेगा। पता नहीं कहीं पे देखा था कि शायद 1 किलोमीटर का वॉक है, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो गाइस, अगर आप यहां से आते हो तो यहां से 2 रास्ते मिल जाते हैं, एक ऊपर की ओर जाता है, एक नीचे की ओर जाता है। ऊपर वाला रास्ता एक भैया ने बोला कि वो थोड़ा घूम कर जाएगा तो लॉन्ग पड़ेगा, एंड अगर आप ये नीचे वाला रास्ता लोगे तो ये शॉर्ट पड़ेगा। बट अगर आप 4-व्हीलर से आ रहे हो तो ऊपर वाली रोड से ही जाना, क्योंकि मेन रोड वही है जाने का। गाइस, आप ये सब घर देखो कितना अच्छा है, मतलब कितना खूबसूरत लोकेशन पे है कि इसके आसपास ना कोई पॉल्यूशन है, ना ट्रैफिक है, बिल्कुल नेचुरल हवा, सामने में पहाड़, ग्रीनरी, बिल्कुल ही ओपन है। ऐसा नहीं कि घर के चारों तरफ ऊंची बिल्डिंग्स है। मजा आ जाता होगा यार रहने वाले को, तो एटलीस्ट एक घर तो होना चाहिए किसी भी हिल स्टेशन में। कितने खूबसूरत हैं यार, देखो प्लांट्स लगे हुए, ऐसा घर कहाँ मिलता है। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है गुच्छू पानी वाला एरिया। एंड यहाँ पर आपको 4-व्हीलर 2-व्हीलर की पार्किंग भी मिल जाती है। सो फाइनली गुच्छू पानी का यहीं से एंट्री है, तो मैं आ गई हूँ। बट गाइस, यहाँ पर पहुँचने से पहले आप अगर शूज सैंडल पहन कर आ रहे हो तो आपको उसे ओपन करना होगा। एंड यहाँ पर रेंट पर चप्पलें मिल जाती हैं, तो आप रेंट पर स्लीपर ले लें, क्योंकि अंदर में आपको नदी में पानी में जाना होता है, तो ऑफकोर्स आपको ज़रूरत होगी स्लीपर्स की। एंड वो 10 रुपये आई थिंक चार्ज करते हैं, एंड वो आपको स्लीपर देते हैं। सारे जो शॉप्स हैं यहाँ पर मिल जाती है। एंड साथ ही अगर आप यहाँ से बाहर आते हो तो यहाँ पर खाने पीने के लिए भी दुकान है, फूड पॉइंट्स है। क्या चार्ज लोगे भैया रखने का? अच्छा, 10 रुपये। यह जो आप दरवाजा देख रहे हो यहीं से मेन एंट्री होती है। एंड यह साइड में टिकट काउंटर बना हुआ है। कितने का टिकट है भैया? 35। कितना जाना है? 1-1। सो गाइस, 35 की टिकट आती है, तो अंदर चलते हैं, टिकट मिल गया है। सो गाइस, ये रहा एंट्री गेट। एंड देखो यहाँ बोर्ड लगा, स्वच्छ भारत मिशन, गांधी जी का एक ही सपना, स्वच्छ रहे घर अपना अपना। प्लीज गाइस, अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में या फिर कहीं भी जाते हो, आप घर से बाहर निकलते हो, एटलीस्ट कचरा मत डालो यार कहीं पे। देखो यहाँ पे पानी आ रहा है, अंदर आती इतना खूबसूरत नेचुरल फीलिंग जो होती है, ऐसा लगा नेचर के बीचों बीच आ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेबल जगह है यह, बिल्कुल ही शांति है, किसी चीज का शोर नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पानी की आवाज सुनाई देगी बहती हुई। आप जब मेन गेट से अंदर में एंट्री लेते हो तो अंदर में भी कुछ शॉप्स हैं, फूड पॉइंट्स हैं, बैठने के लिए चेयर टेबल लगा हुआ है। यहाँ पे टेंपल है,
शंकर भगवान का छोटू सा। यह है रॉबर्ट केप्स, इसे गुच्छू पानी के नाम से भी जाना जाता है। जनरली यह नेचर के बीच में पहाड़ियों से घिरा हुआ गुफा बना हुआ है, एंड उसके नीचे से नदी फ्लो करती है, एंड अंदर में साथ छोटे छोटे वाटरफॉल भी हैं। तो बिल्कुल यह नेचुरल है, मैनमेड नहीं है, नेचर्स के द्वारा बनाया गया है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि नेचर कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। सो लेट्स कंटिन्यू। इसीलिए आपको यहाँ पे स्लीपर्स की नीड होती है, तो आप चप्पलें रेंट पे जरूर ले लें। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं पहले से ही, एंड पानी बिल्कुल ही ठंडा है। इस गर्मी के सीजन में ना आपको मजा आ जाएगा अगर आप यहाँ पर आकर नहा लोगे। साथ ही यहाँ पे मैंने बताया नहीं आपको, क्लॉक रूम एंड चेंजिंग रूम भी अवेलेबल है। तो आप आना गर्मी में तो पक्का स्नान करना, क्योंकि जब चेंजिंग रूम है यू कैन चेंज देयर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पानी का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। यहीं से ही गुफा स्टार्ट हो जाती है, एंड जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ोगे यह जो चौड़ाई है वो कम होता चला जाएगा, एंड गुफा अंदर की ओर थोड़ा संकरी होती चली जाती है। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? यहाँ अच्छा लग रहा है? बढ़िया एकदम। YouTube? यह केव यानी कि गुफा बिल्कुल ही नेचुरल है, जिसके अंदर अंदर ही नदी बहती है, एंड देखने में इतना खूबसूरत लगता है। बोला जाता है कि ब्रिटिश टाइम में जो रॉबर्स होते थे, चोर होते थे, वो इस गुफा का इस्तेमाल छिपने के लिए इस्तेमाल करते थे, इसीलिए इसे रॉबर्ट केव्स के नाम से जाना जाता है। एंड वैसे भी इस जंगल पहाड़ में आकर अगर कोई छिप जाएगा तो क्या ही मिलेगा। एंड आई थिंक 600 मीटर लॉन्ग केव्स है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल गर्ल, हाउ क्यूटली सी इज एंजॉयिंग वाटर। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, एंड जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है वो 10 मीटर का है। ऐसे नज़ारे कहाँ देखने को मिलते हैं, गुफा के ऊपर खुला आसमान, ग्रीनरी, एंड उसके नीचे बहती हुई यह नदी। वो बोलते हैं ना, नेचर इज समथिंग डैट इज बियॉन्ड ऑफ आवर थिंकिंग, प्राकृतिक हमारी सोच से बहुत परे। सो यहाँ पर मैं रील्स वीडियो शूट कर रही थी, जो आप देख सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी लवली ट्रेवलर 78 पर। साथ ही वहाँ पर ट्रेवल रिलेटेड फोटोज भी आपको देखने को मिलेंगे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हाय, ये रास्ता ऊपर को जाती है, मैं ऊपर नहीं जा रही, अब नीचे चलते हैं। पानी बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर वाटर था, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट था। मजा आ रहा है क्या बाबू? हाँ, देखने से ही नजर आ रहा है कि पूरा भीगी भीगी है। गर्मी में आने का फायदा है, नहीं तो ठंडी में तो मुश्किल है। अरे ओ, आराम से, मुझे मत भीगना। गुच्छू
गुच्छू पानी तो एक्सप्लोर हो गया, अब यहाँ से चलेंगे दूसरे लोकेशन पे, वो है A5। बट अगर आप यहाँ आते हो तो शॉर्ट्स पहनकर ही आना, क्योंकि घुटने तक पानी आ जाते हैं। आप देखो मैंने जींस को घुटना तक चढ़ाया था, बट फिर भी वो गीला हो गया। यहाँ से बाहर आने पर आप चाहो तो हॉन्टेड शो भी इंजॉय कर सकते हो, यहाँ पर दिखाया जाता है।